Good morning, class second. So today we will continue with our chapter number 2 that we left in our previous session. We are left with the fill in the blanks and true false. Okay, so we will be completing this today. In this chapter we learned about input processing output. So what are the input devices through which we can give input to our computer, like keyboard, mouse, joystick, or it can be a scanner. Okay, so इन चीज़ों के थ्रू हम कंप्यूटर पे कीबोर्ड इनपुट देते हैं और आउटपुट डिवाइसेस हमें उस इनपुट का रिजल्ट दिखाते हैं. किसके थ्रू प्रोसेस होके? सीपीयू के थ्रू प्रोसेस होके. ठीक है, किसके थ्रू? सीपीयू के थ्रू. सो सीपीयू के थ्रू प्रोसेस होके जो अब ये सीपीयू जो है वो पहले ऐसा हमें दिखता था, बट लैपटॉप में जो सीपीयू है वो बहुत छोटे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, तो वो हम देख नहीं पाते. वो लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट होता है. अगर हम लैपटॉप को कभी खोलेंगे ना तब हमें वो सीपीयू दिखेगा. ठीक है, सो आज हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था. अब हम आते हैं इस सेक्शन में जो हमारा रह गया था. ठीक है, उससे पहले हमने ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट करना था. फिफ्थ वाला क्वेश्चन में क्या था, ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, मुझे होमवर्क मिला भी, फिर भी मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट टेक एंड गिव इनपुट एंड आउटपुट. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट टेक एंड गिव इनपुट एंड आउटपुट. द इनपुट एंड आउटपुट दैट वी गिव एंड गेट फ्रॉम द कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर. सो वट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. ओके, सो इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. राइट विद मी, इट्स अ सॉफ्टवेयर. नाउ कम टू न्यू सेक्शन. इफ माउस इज अ इनपुट डिवाइस. अब आपको पता माउस जो है एक इनपुट डिवाइस होता है, राइट? Then trackball is also an dash device. Trackball क्या होता है? Trackball basically mouse के नीचे एक छोटी सी ball लगी होती है. जो पुराने mouse आते थे उसके नीचे एक ball type की लगी रहती थी. उसको भी हम क्या कहते हैं? उसको भी हम input device ही कहते हैं, क्योंकि उसके through हमारा mouse move होता है. आजकल के mouse में नीचे से एक छोटी सी लेजर की लाल कलर की लाइट आती है, उससे पहले वहाँ पे एक बॉल टाइप का लगा रहता था, तो उसे हम ट्रैक बॉल कहते थे. वो भी हमारा इनपुट डिवाइस ही होता है. तो यहाँ पे लिखो इनपुट डिवाइस. ओके, इफ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस देन टच पैड इज ऑल्सो एन डैश डिवाइस. अब कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है. ठीक है, टच पैड क्या होता है? आप कभी भी लैपटॉप देखेंगे, लैपटॉप के आगे एक कीबोर्ड होता है, उसके आगे एक छोटा सा सेक्शन होता है, उसे हम कहते हैं टच पैड. वो एक माउस का ही काम करता है. उसके थ्रू हम मॉनिटर में इंस्ट्रक्शन भेजते हैं. सो हम जिसके थ्रू मॉनिटर में या कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन भेजते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस. तो इसका आंसर भी क्या होगा? इनपुट डिवाइस. राइट विद मी, इनपुट डिवाइस. द प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस बट द स्कैनर इज एन डैश डिवाइस. अब प्रिंटर क्या है? आप फोटोस्टैट कराने जाते हैं, आपका प्रिंट आता है, जैसा आपका प्रिंट निकलता है वो प्रिंटर के थ्रू निकलता है. और वो जो पेपर ऊपर से हम फोटोस्टैट में डालते हैं वो किस में डालते हैं? वो स्कैनर में डालते हैं. तो स्कैनर के थ्रू हम क्या देते हैं? इनपुट. और प्रिंटर के थ्रू हमारे पे क्या आता है? आउटपुट. सो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस बट द स्कैनर इज एन सेम. इसका भी आंसर क्या होगा? इनपुट डिवाइस. द मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. हमें पता है मॉनिटर में हमें जो भी हम लिखेंगे मॉनिटर में हमें वो चीज दिखती है, तो वो एक आउटपुट डिवाइस है. बट द टच स्क्रीन इज बोथ एन डैश डिवाइस.
मतलब टच स्क्रीन होती है, जैसे मोबाइल होता है, टैबलेट होता है, आजकल लैपटॉप भी होते हैं, तो उसमें आप टच स्क्रीन के थ्रू ही इनपुट भी दे सकते हो और आउटपुट भी आपको दिखेगा, राइट। जैसा मोबाइल छूते हो, मोबाइल में आप मैसेज टाइप करते हो, तो मैसेज जो आप लिख रहे हो वो आपको ऊपर दिखता रहता है ना, तो मतलब इनपुट भी आप मोबाइल के थ्रू दे रहे हो और आउटपुट भी आपको ऊपर उसका दिख रहा है। सो द मोनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, बट द टच स्क्रीन इज बोथ एन इनपुट एंड एन आउटपुट डिवाइस। ओके, राइट इट, इनपुट एंड एन आउटपुट डिवाइस। ओके, सो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। गिविंग इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। क्या इसे हम आउटपुट बोलते हैं? जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं, क्या वो आउटपुट है? इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? हमने पढ़ा है अभी, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इनपुट जो होते हैं, राइट, और जो हमें दिखता है वो आउटपुट होता है। तो गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट? नो, इट्स कॉल्ड इनपुट। ओके, सो इट्स फॉल्स। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। माउस के थ्रू हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो इट्स एन इनपुट डिवाइस, राइट। द सीपीयू प्रोसेसेस द इनपुट। जो इनपुट हम देते हैं और जो हमें आउटपुट मिलता है वो किसके थ्रू प्रोसेस होता है? सीपीयू के थ्रू। तो द सीपीयू प्रोसेसेस द इनपुट। क्या सीपीयू प्रोसेस करता है इनपुट को? हाँ, करता है। ये सारे आप मेरे साथ करेंगे, ठीक है। द इनपुट दैट वी गिव इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर। अब इसको हम पीछे से देखेंगे। द इनपुट एंड द आउटपुट दैट वी गिव एंड गेट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, जो इनपुट और जो आउटपुट हमें हम देते हैं और जो हमें मिलता है कंप्यूटर से, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। और जो इनपुट हम दे रहे हैं इस ऑल्सो सॉफ्टवेयर, क्या वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो इनपुट हम दे रहे हैं? अभी हमने प्लान में क्या पढ़ा? जो इनपुट हम दे रहे हैं और जो आउटपुट हमें मिलता है वो सॉफ्टवेयर है। तो इनपुट दैट वी गिव इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर। जो इनपुट हम दे रहे हैं, क्या वो भी सॉफ्टवेयर है? हाँ, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि जो इनपुट हम देते हैं और जो आउटपुट हमें मिलता है वो भी सॉफ्टवेयर है, और जो इनपुट हम दे रहे हैं क्या वो भी एक पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस। क्या मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है? जो हमें रिजल्ट दिखा रहा है वो एक मॉनिटर है, राइट, वो आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी सही है। लोगो इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। हमने प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, उसमें हमने देखा था लोगो जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो जिसके थ्रू हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। आई होप यू हैव डन दिस एक्टिविटी। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। ओके, एन इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ। जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो किसका टाइप होता है? हमने देखा द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। सो द इंस्ट्रक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम, राइट विद मी, प्रोग्राम। The devices that shows the result of processing are called dash devices. जो devices हमें result दिखाते हैं, जो कि process data हमें दिखाता है, देता है, वो किस में दिखता है? हमें output devices में, जो हमने पूरे chapter में पढ़ा है, तो इधर लिखेंगे हम output. CPU needs input instruction to convert dash into information. अब सीपीयू को हम क्या प्रोवाइड करते हैं जो कि वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है? इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट भी बोलते हैं। किस चीज को हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं? सीपीयू किस चीज को आउटपुट में कन्वर्ट करता है? वो करता है इनपुट को, राइट विद मी, इनपुट। डैश आर द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? जिसे हम देख सकते हैं। फिजिकल पार्ट्स आर दोस जिसे हम देख सकते हैं। दोस आर हार्डवेयर।
Okay, write with me. Hardware. Logo is a name of a computer dash. अब logo क्या है? अभी हमने पढ़ा. Logo is a name of computer. Language. Write with me. Language. So children, we have done this chapter. We have completed this chapter. So I want you guys to read it thoroughly again. And if you get any difficulty, anything you want to ask from me, you can give me a message or give me a voice message. I'll definitely reply to you and will help you in any of your query. Okay, children, that's all for the day. Thank you.